व्हाट्सएप दोस्तों दिन भर मतलब बहुत ज्यादा लंबा टाइम ना हमारा ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं। और आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की कुछ लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अगर आप यूज करोगे ना तो टाइम बचेगा, मजा भी आएगा और चार लोगों के बीच में इंप्रेस कर पाओगे भैया मेरे को व्हाट्सएप का ये नया वाला फीचर बताए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो व्हाट्सएप के ना नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और ऐसे में नए नए फीचर्स हमको व्हाट्सएप देते रहते हैं। मतलब सोचो यार कितने सालों से हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और अभी बेसिक तो सेम है बट इवोल्यूशन हो गया है बहुत अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर जो आप यूज कर सकते हो वो है टू टेक्स्ट योरसेल्फ। मतलब आपकी किसी पुरानी एक्स ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप वही चैट को यूज कर रहे हो नोट्स लिखने के काम। छोड़ो भैया वो मत करो, आप अपने आप को टेक्स्ट कर सकते हो और एक तरीके से व्हाट्सएप में एक चलता फुरता यू नो नोट्स का सेक्शन बन जाएगा। शॉपिंग की लिस्ट बनानी है, कुछ भी हिसाब किताब लिखना है तो आप अपने आप को मैसेज करके ये काम कर सकते हो। टेक्स्ट योरसेल्फ इज एन अमेजिंग फीचर जो आप व्हाट्सएप में यूज कर पाओगे। चलो भाई अगला फीचर, अब जहां पे मैं एक्स की बात कर ही रहा था दोस्तों, ऐसे में कई लोग हैं जो किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में उनको कोई ब्लॉक कर देता है। अब देखो ब्लॉक तो इंसान होता रहता है बट अगर हम बात करते हैं ब्लॉक होने के बावजूद अनब्लॉक करने की, तो एक आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना है इसका क्योंकि इसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा है और डेटा का भी नुकसान होगा। तो अगर आप अपना व्हाट्सएप का अकाउंट पूरा डिलीट कर देते हो, अनइंस्टॉल करने की बात नहीं कर रहा व्हाट्सएप को, अकाउंट डिलीट की बात कर रहा हूँ, और फिर आप एक नया अकाउंट बनाते हो उसी नंबर से दोबारा अपने व्हाट्सएप में, तो जिसने आपको ब्लॉक किया था आप अनब्लॉक हो जाओगे बट क्या फ़ायदा, हाय का मैसेज लिखोगे दोबारा ब्लॉक हो जाओगे। तो ये एक तो है इसमें कैच, बट यू कैन अनब्लॉक योरसेल्फ यू वांट टू बाय डिलीटिंग योर अकाउंट एंड मेकिंग अ न्यू अकाउंट। नो गाइस ये जो अगले वाला है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काम में आ सकता है अक्सर अगर आप घर में किसी की हेल्प वगैरह करना चाहते हो ना। कई बार घर में आपको हो सकता है कोई पूछ लेगा कि यार मेरे फ़ोन में ये नहीं हो रहा, ये ऑप्शन ठीक करना है कैसे करना है व्हाटएवर, तो अब आप व्हाट्सएप में वैसे अब नहीं काफ़ी टाइम से है बट लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, वीडियो कॉल जब आप करते हो तो उस टाइम पर अपने आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो स्क्रीन शेयर जब आप करते हो तो बेसिकली अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं या कुछ भी अगर आपको ऐसा काम करवाना है किसी दूसरे फ़ोन में, तो अब आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू ये इजीली कर सकते हो, थोड़ा बच जाता है मतलब टाइम। वरना क्या होता है कई बार एक व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करोगे फिर बोलोगे एक काम करो को दूसरे वाला फ़ोन का स्क्रीन दिखाओ उसमें क्या हो रहा है ये। अब सारा काम व्हाट्सएप में बेसिकली यू कैन शेयर द स्क्रीन एज वेल वीडियो कॉल के टाइम पे। दोस्तों ये जो चीज़ है ना ये अभी इंडिया में नहीं है या धीरे धीरे करके आ रही है बट आगे चल के बहुत मज़ा आ सकता है बिकॉज अब व्हाट्सएप में सीधा मेटा एआई घुस रहा है और आप मेटा एआई से बातचीत कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, जनरेटिव एआई को यूज़ कर सकते हो। तो मतलब टाइम बच जाएगा और विद इन व्हाट्सएप आप एआई को यूज़ कर पाओगे। जैसे रोल आउट हो जाएगा और वाइड स्प्रेड तरीके से मेटा एआई को हम व्हाट्सएप के अंदर चैट्स में यूज़ कर पाएंगे। भाई देखो ये वाला जो फीचर है ये तो शायद अब तक सबने यूज़ कर लिया होगा, नहीं किया तो गाइस कर सकते हो। मतलब वो एक ज़माना था ना, ज़माना तो खैर आज भी वही चल रहा है, जहाँ पे हम बोलते थे कि यार ये वाली फ़ोटो जो है इसको डॉक्यूमेंट में भेज ताकि क्वालिटी अच्छी आ जाए ना, वरना क्वालिटी बहुत कम आती थी। बट अब आप नॉर्मल तरीके से भी अगर फोटो या वीडियो भेजते हो व्हाट्सएप पे, आपको केवल जो ऊपर HD का आइकन दिखता है उस पर आपको टैप करना है ताकि आप HD क्वालिटी में फोटोज़ और वीडियोज़ भेज सकते हो। आपको एज अ डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से भी HD क्वालिटी में फोटोज़ वीडियोज़ आप भेज सकते हो वेरी इजीली। हम दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो भैया हमेशा अपनी एक प्राइवेट जिंदगी जीना चाहते हैं, मतलब प्रोफाइल फोटो का डिस्प्ले नोबडी, स्टेटस कोई नहीं देख सकता, लास्ट सीन क्या है कोई नहीं देख सकता, रीड रिसिप्ट्स क्या है किसी को नहीं पता चलेंगी, और अब आप ऑनलाइन स्टेटस भी बिल्कुल छुपा सकते हो। मतलब लास्ट सीन वगैरह सब आपने अगर बंद कर रखा है, स्टिल अगर आप ऑनलाइन आते हो ना तो दिख जाता है सामने इंसान को कि आप अभी ऑनलाइन हो। बट अभी अगर आप सही सेटिंग का इस्तेमाल करें और इंडिपेंडेंटली आप अगर अपना सेटअप करें ऑनलाइन स्टेटस, तो आप उसको भी डिसेबल कर सकते हो, तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि भाई चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप व्हाट्सएप खोल के देखते भी हो कि नहीं देखते हो।
दोस्तों ये वाला फीचर भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं। देखो व्यू वंस फोटो और वीडियो तो बहुत लोग यूज कर लेते हैं टाइम्स, लेकिन अभी आपको यही ऑप्शन वॉइस नोट्स के अंदर ही मिलता है। मतलब अगर आपको चाहिए कि आपको वॉइस नोट भेजो और वो बस इंसान एक बार सुने, और वो था ना टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल कि भैया मिशन सुना और 5 सेकंड में मिशन फुस, तो अब एक बार सुनते ही वॉइस नोट भी फुस हो सकता है अगर आप ये सेटिंग को यूज करते हैं वाइल सेंडिंग वॉइस नोट्स। दोस्तों एक चीज और, अब लिंक्ड डिवाइसेस के थ्रू आप एक ही व्हाट्सएप को अलग अलग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से, अक्रॉस टैबलेट्स या कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया आपका, दूसरा फोन भी हो गया इनफैक्ट आपका, तो सिंगल व्हाट्सएप को मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हो और सीमलेसली बड़े आराम से काम करता है। आपको जरूरत नहीं है कि आपको हमेशा अपना फोन साथ में कैरी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मेरी बात करता हूं तो मेरे लैपटॉप पे मैंने व्हाट्सएप को सेटअप किया हुआ है, मेरा फोन अगर स्विच ऑफ भी है ना मेरे पास नहीं भी है फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं लैपटॉप खोलता हूं अगर मेरे लैपटॉप में इंटरनेट है तो मैं स्टिल अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकता हूं। ये फायदा है लिंक्ड अकाउंट्स को यूज करने का, जहां पे आप एक व्हाट्सएप को अलग अलग डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हो। दोस्तों ये जो फीचर है भाई ये बड़े काम का है और काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जिनको जरूरत है उनको भी नहीं बताया। मतलब देखो नॉर्मल कॉल से ज़्यादा सिक्योर हम समझते हैं व्हाट्सएप कॉल को, बट व्हाट्सएप कॉल में भी ट्रैकिंग वगैरह की जा सकती है, आपका आईपी एड्रेस फिगर आउट करके आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप व्हाट्सएप कॉल पे किसी से बात करो स्टिल कोई आपको ट्रैक ना कर पाए, तो उसको आपको सेटिंग्स में जाके प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस वाला ये ऑप्शन जो है इनेबल करना है। थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाएगी कॉल्स की, क्योंकि कॉल्स जो हैं वो व्हाट्सएप के सर्वर्स के थ्रू राउट की जाएंगी, बट आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और आपका आईपी एड्रेस प्रोटेक्टेड रहेगा कॉल्स के टाइम पे। ये फीचर अभी टर्न ऑन कर लो अगर आप एकदम प्राइवेट जिंदगी जीना चाहते हो। दोस्तों एक और लास्ट चीज़ जो आईफोन यूजर्स कर सकते हैं वो ये कि अगर आपकी व्हाट्सएप चैट में कोई आपको ऐसा मिलता है ना कैलेंडर टाइप की कोई डेट वगैरह ऐसे डली हुई है, तो सीधा वहीं पे टैप करके अपने कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड रहे और आपको पता है कि हाँ भाई फलाने तारीख को इससे मिलना है अगर, तो वो इवेंट सीधा आपके कैलेंडर में क्रिएट हो जाएगा जस्ट बाय टैपिंग दैट डेट इन द चैट। तो ये टाइम बचाने वाला और एक रूटीन सेट करने वाला काफ़ी अच्छा फीचर है व्हाट्सएप का। वैसे देखो ये सारे फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया अभी, और ऐसे में बहुत सारे फीचर्स हैं यार, हर रोज व्हाट्सएप में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, बट अगर आप इनको यूज करोगे ना तो मतलब फायदा ये है ना कि हमारी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और ये फीचर्स के बारे में यूज करके अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताना नीचे कमेंट करते हुए, और अगर आपको लगता है कोई और इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैंने मिस कर दिया है वो ही बता दो ताकि लोग पढ़ें और ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए। वैसे नहीं बताना तो मत बताओ ताकि ये फीचर केवल आप यूज करो, बट अगली वीडियो में वैसे बता दूंगा। तो कीप ऑन शेयरिंग, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।